रामगढ़ थाना पुलिस ने नौनकरण का आहाता निवासी एक युवती की रिपोर्ट पर रेलवे कॉलोनी दौराई निवासी राहुल राणा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 384 के तहत आरोप पंजीकृत कर बुधवार को उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 22 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। गौरतलब है कि पीड़िता का रामगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को मेडिकल कराकर आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश दी थी। पीड़िता के मुताबिक पिछले 6 माह से वह आरोपी के पड़ोस में रह रही थी। एक दिन आरोपी ने उसे घर में अकेला देखकर उसके साथ दुराचार किया और उसकी आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी राहुल राणा ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी का चाचा एक पुलिसकर्मी है, लिहाजा उसकी आवाज कहीं नहीं सुनी गई। आखिर परेशान होकर एसपी के सामने आपबीती सुनाने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बलात्कार का, कि उस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी, इसलिए मैंने बलात्कार का केस लगा उस पर। जब और वीडियो क्लिपिंग बनाई थी और लड़के ने मेरी, और मैंने उसको मना करा तो बात नहीं माना, धमकी देने लगा मेरे को कि तेरे को सारे जगत में बदनाम कर दूंगा, नेट पे डाल दूंगा तेरी वीडियो। मैं उसको सजा दिलाना चाहती हूँ और मैंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। मैं थाने गई थी, लेकिन उसके चाचा ने मेरे को घर माँ से थाने पे सब भगा दिया था कि हमने पैसे दे रखे, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम जाओ यहाँ से। पैसों का लालच दे रहा था कि तुम 40 ले लो, 20 ले लो और ये केस रफा दफा कर दो। जान से मारने की भी धमकी दी उसके चाचा ने। उसके बावजूद फिर इसने लड़की ने कही कि मैं तेरी शादी भी नहीं करूँगी तेरे साथ और कुछ नहीं करूँगी, तेरी 3 साल से मगनी हो रही है, वो शादी है तू बेधड़क कर ले। मेरे घर वाला मेरे पर दबाव डाल रहा है, मगर तेरे को फंसाना नहीं चाहती हूँ मैं, मैंने खाली तेरे से प्यार किया है, वो लड़की का जवान है ये। उसके बाद में लड़का ने कही है कि ठीक है फिर मुझे फंसाएगी तो नहीं, कि नहीं तेरे को नहीं फंसाऊँगी। ऐसे करके करने के बावजूद अब लड़के की शादी कर लाई हूँ मैं 13 फरवरी की, सभी 13 तारीख गई इसकी शादी हो गई लड़के की, भोपाल से शादी करके लाई हूँ। अब लड़की ने पता नहीं कैसा मतलब जाल फंस के केस करा, बच्चों को फंसा दिया दोबारा।